मित्रों नमस्कार, मैं संजय पत्की। आज स्वर स्वामी चैनल एक और ऑफिशियल स्वर स्वामी दो, इन दोनों चैनल के माध्यम से आपके समक्ष एक बार फिर हाजिर हो रहा हूं। तो वो बीच में एक सीरियल चली थी, उसके हिसाब से बीच में वो बात चली फॉल्सेटो। फॉल्सेटो मतलब क्या पता है? मैं ये मानता हूं कि आपके दिमाग में सुरों की जगह होती है, लेकिन आपकी शारीरिक अवस्था, कंठ की जो एक मर्यादा होती है, वो मर्यादा के बाद में आवाज लगाने के लिए आपका थ्रोट नहीं वहां पे थ्रो कर पाता है। तो शरीर एक अपने आप व्यवस्था करता है कि वो जो सुर ऊपर आपके दिमाग में लगे हो वो बेसुर ना हो। इसलिए सा रे गा मा पा मा गा रे सा। अब ये मगर फुल थ्रोटेड बोलता तो एक तो मेरा गला फट जाता, या आवाज पहुंचता ही नहीं, या फिर कुछ तो भी और हो जाता, बेसुर हो जाता मैं। तो उससे तो भैया अच्छा है, बेसुर होने से मैं आवाज कंट्रोल करके वो जो मेरे दिमाग में सुर जो है उसको परफेक्ट बिना बेसुर होते हुए लगाया। गलती कहां किया मैंने? गलती तो नहीं किया। सनी सा प मा पा पा मा पा मा गा रे सनी द प मा गा रे सनी द धनी रे गा गा रे गा प मा पा द मा द सनी रे सनी द प मा गा रे सनी रे सनी द प मा गा रे सनी रे सा। अगर मैं सा गा मा पा द ने सा रे गा ये अगर करता तो आप लोग जो श्रोता है वो सुनने की बिल्कुल आदि नहीं रहती है। सब चीज चिल्लाना आपका नहीं चाहिए उनको, वो गाना सुनने के लिए आया, आपका झगड़ा सुनने के लिए नहीं आया। और गाना झगड़ा नहीं है, सुरों को प्यार के माध्यम से भाव से निकल सा ब म ब द नि द ब म ब म ग रे द नि द रे रे द रे नि द ध ग रे ग स रे म ग रे द नि द प म ग रे द नि द ब ग रे ग प द नि द रे द नि द ब म ग रे ग प द ब म ग रे ग प म ग रे द नि द ग रे द नि द म ग स म म ग रे द नि द रे रे द रे नि द नि द ब द नि रे स नि द ग रे ग प ब द नि द तो मेरा ये मानना है कि फॉल्सेटो ये कोई चोरी चपाटी नहीं है, या फिर कोई गुनहगारी नहीं है। फॉल्सेटो ये सुविधा है कि आपका शरीर अपने आप जो आपके ब्रेन में सुर है उसको कनेक्ट होने के लिए अपने आप उसमें वो जो व्यवस्था कर लिया है चलने की, उसको कंट्रोल करके गाते हैं। कुछ लोगों का आवाज ऊपर चढ़ता है, पधनी सा तो सारे गामा पधनी सा ऐसे भी गा लेते हैं। ये भी अपने आप में एक चतुराई है। कई के गायक देखो ऊपर गाते 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 उनका सुर ऊपर है तो नीचे के सुर में सुर कर देते हैं, बेसुर तो नहीं होते। और मैं उसको मान्यता देता हूं कि राग का भंग होने से अच्छा है कि आप अपने टेक्निक से, अपने तंत्र से आवाज को बरोबर कंट्रोल करके लगाए, तो वो फॉल्सेटो रहो या कुछ भी रहो, रागों की हिसाब बराबर चलती है, सुरों का हिसाब बराबर चलता है, आप लोगों के कान नहीं खराब करते। और ये जो नियम बने पड़े हैं ना कि हे हमारी खानदान में, हमारी खानदान, कोई खानदान वानदान कुछ नहीं है। और जो भी खानदान है वो खुद की सोच, अगर हम नियम बनाते हैं तो उसको हम ही तोड़ने वाले होते हैं। नियम तोड़ना नहीं है, जब तुमने माना है ये चीज है, इसको संभालना है तो संभालना ही है, उस तरीके से संभालना है। लेकिन आवाज नहीं लग रहा है, ऊपर की स्केल में गा रहे हैं, नीचे की स्केल लो तब आवाज जाएगा। अगर फॉल्सेटो नहीं करना है तुमको तो नीचे की स्केल में गाओ। नीचे की स्केल में गाओ तो वो प्रॉब्लम है कि आवाज गड्ढे में जाती है, ऊपर गाओ तो आवाज चढ़ती नहीं है। सर करे तो क्या करे? एक बात राज के बताऊं, बड़े बड़े जो गवैये गाते हैं ना वो ऐसे ही टेक्निक से गाते हैं, लेकिन आपको थ्रू माइक को आता है ना तो कितना है? हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, ये टेक्निक ये कर लिया, आवाज को कंट्रोल कर लिया, अपान वायु ऊपर लेके आया, ऊपर उसका खाली ब्रेन में जो सुर है उस तरीके से हर पल यहां जी भर जी हो। अगर वो फुल थ्रोटेड गाए रहते, अभी वो कौन सा गा तेरी दरत तरी दी ते बनी दरना ना 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 ना, वो भी मैंने सुना, वो भी वो सब, आपको लगता कितना अच्छा चल रहा है, कितना ऊंची आवाज गाता है। सब टेक्निक का काम है, मनचिन तो टेक्निक करती करती है, लेकिन ये भी ना 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 ना। ये क्या है? फॉल्सेटो ही तो है ना, लेकिन गाना कितना अच्छा लगा फॉल्सेटो में रहने के बाद में भी, बेसुर तो नहीं हुआ।
करके मेरे दोस्तों मित्रों साधकों, ये फाल्सेटो कोई गलती नहीं है, ये और यार्डलिंग जो प्रकार दरार किशोरदा का आवाज, ये रेगुलर वो फाल्सेटो, ये रेगुलर वो फाल्सेटो दरार ननाना। अगर ये चीज मान्यता नहीं रहती इसको तो किशोरदा इतने पॉपुलर नहीं हो रहते, क्योंकि मुश्किल है यार्डलिंग निकालना, सीधी बात नहीं, सरल बात नहीं, हर कोई नहीं निकाल सकता, और जो निकाल नहीं सकता वही बोलता है कि ये फॉल्सेटो अच्छा नहीं है, ओरिजिनल चाहिए, अंगूर खट्टे होते हैं। दूसरा एक बोलता खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, पूरे वर्ल्ड ने उनको माना है, मैं भी मानता हूं, गाने में कितना भाव है, देखो सुर जो लगते हैं वो फॉल्सेटो ही है ऊपर के। अब इस पे आप मुझे कंट्रोवर्सी मत करना कि वो जो नहीं, वो तो खुले थ्रोट से गाते थे, खुले थ्रोट से गाते थे करके उनके गले में वो जो एक खिंचाव आया है, वो आदमी इतना रियाज किया हुआ है कि वो सब सुरों को पकड़ पकड़ के ऊपर तक चढ़ने की कोशिश में आवाज ने एक अलग रूप धारण कर लिया, जो कि हमको फॉल्सेटो लगता है। तो क्या वो गायक नहीं थे? लास्ट में, अंत में एक ही बात बोलता हूं, आप अपने निजी शांति के लिए, निजी उत्थान के लिए, आनंद के लिए गाना गाते हो, वो गाना आप जब भी पेश करते हो तो आपको किसी भी हालत में तकलीफ नहीं होना चाहिए। जब गाना सीखने से और गाना गाने वक्त आपको गाते वक्त तकलीफ होती है तो वो चीज मतलब की नहीं, कोई काम की नहीं है। सुकून, थोड़ा छोटा सीखिए, थोड़ा छोटा गाना गाइए, लेकिन वो गाना गाने के बाद में आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि मैंने कुछ तो भी गाया है। आपको जब आपके दिल को एक चीज अच्छी लगती है तो ये समझ लो कि सामने वाले को अच्छी लगी है, 90% लोगों को वो अच्छी लगेगी, क्योंकि आपको विदाउट एफर्ट आप खुशी खुशी झूम के गा रहे हैं। आप कष्ट करके गा रहे हो तो खुद का ही गाना खुद को अच्छा नहीं लगे तो लोगों को क्या अपेक्षा करेंगे? जब तुम अपने रंग में रंग जाओगे तो दुनिया तुम्हारे रंग में रंग जाएगी। तुम अपने ही रंग में नहीं रंगोगे तो दुनिया को कैसे रंगे हुए पाओगे? तो फिर से मैं इस जो मैटर है इसको कोट करता हूं कि फॉल्सेटो ये चीज बुरी नहीं है, वो एक शरीर ने हमारी मन की अवस्था को पेश करने के लिए जो कि सुर की व्यवस्था वहां तक पहुंचती है उसको एक नेचुरली उसको कंट्रोल आवाज में लगाने का एक टेक्निक अंदर ही अंदर ब्रेन ने डेवलप किया है, इसको हम फॉल्सेटो कहते हैं। मैं इस चीज को नहीं मानता, मैं इसको मानता हूं टेक्निक, तंत्र, और छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने में एक वाक्य में सीखा था, शक्ति पेक्षा युक्ति श्रेष्ठ। अगर 100 किलो आपको उठा के नहीं ले जा सकते हो तो आपको 150 किलो खींच के ले जाने की अकल चाहिए। उठाकर कौन एफर्ट करेगा, उसको खींचो, नीचे डालो, 3-4 व्हील लगा दो, 150 नहीं 200 किलो उठा के लेके चले जाएंगे। ये यूज करना चाहिए, ये आपके पास में है, आप दूसरों के भरोसे उसको नहीं नहीं ये कैसा है भैया, कह नहीं, तुमको पता है कि ये कैसा है, तुम खुद ही करो। बुरा है तो तुमको मालूम पड़ेगा, किसी को पूछने की जरूरत नहीं बुरा है, अच्छा है तो तुमको पता है अच्छा है। तुम्हारे लिए जब जो चीज कर रहे हो वो अच्छी ही है, दूसरों को बुरी लगेंगे क्योंकि उसको वो प्राप्त नहीं होती, करके वो बुरी लगती है, ऐसी होता है ना। तो इस झमेले में कभी मत पड़ना कि ये ऐसा है वो वैसा है वो वैसा करेंगे, फाल्सेटो अल्सेटो है, कुछ नहीं। आपको अपने खुद के स्वानंद के लिए गाना सीखना है, जो शास्त्र बना पड़ा है उसके आधार पर, उसके बलबूते पे आप खुद को कैसा डेवलप कर पाएंगे इसी के बारे में सोचिए। ठीक है, नमस्कार, जय गुरुदेव।